नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे स्वराज 724 FE फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। जी हाँ, कई सारे किसान भाइयों ने हमें बार बार कमेंट करके इस ट्रैक्टर के रिव्यू के बारे में कहा था, तो खास आपके लिए पेश करते हैं स्वराज 724 FE फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का पूरा रिव्यू, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको इस ट्रैक्टर की कीमत भी बताने वाले है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पर ट्रैक्टर से जुड़े नवनवीन वीडियोस आते ही रहते हैं। स्वराज 724 जो टू व्हील ड्राइव वेरिएंट में आता था, हमारे किसान भाइयों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया है और स्वराज की ओर से ऑर्चर्ड ट्रैक्टर में एक भी फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अब तक मौजूद नहीं था। लेकिन स्वराज 724 जो की काफी फेमस रहा है हमारे किसान भाइयों के बीच, उसने फोर व्हील ड्राइव का वेरिएंट लॉन्च करके बागवानी के किसानों को एक तोहफा ही दिया है। अब कई सारे लोगों का ये कहना है कि महिंद्रा जीवो और स्वराज 724 लगभग समान ही है, तो अगर आप भी इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के बारे में तुलनात्मक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्वराज 724 FE फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। इस ट्रैक्टर में आपको वही स्वराज का डिजाइन देखने को मिलेगा जो हम पिछले 20 सालों से देखते आ रहे हैं। लुक्स के मामले में स्वराज ने इस ट्रैक्टर पर कोई भी नया काम नहीं किया है। जैसे कि स्वराज ट्रैक्टर्स जाने जाते हैं अपने बेहतरीन इंजन के लिए, वैसे ही इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 25 हॉर्स पावर की श्रेणी वाला 2 सिलेंडर इंजन, 1824 सीसी की क्यूबिक कैपेसिटी, 1800 रेटेड आरपीएम पर, जितने कम आरपीएम उतनी ज्यादा डीजल बचत। आगे की तरफ ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिलता है। बोर और स्ट्रोक की बात करें तो 116 mm का बोर और स्ट्रोक है। इंजन के साइड में जो साइलेंसर है वो डाउन ड्राफ्ट दिया गया है ताकि ये बागवानी के काम करते वक्त फसलों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। क्लच की बात करते हैं, 280 mm डायमीटर का क्लच आपको इस ट्रैक्टर में मिलता है। स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन है, तो गियर चेंज करने में आपको ज़्यादा सहूलियत तो नहीं होने वाली है। स्पीड की बात करें तो ये ट्रैक्टर आगे की तरफ दौड़ता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और पीछे दौड़ता है लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक इस ट्रैक्टर में दिए गए हैं। पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है जो कि काफ़ी अजीब लगा मुझे ऑपरेट करने में। सबसे अच्छी बात है कि इस ट्रैक्टर में है पावर स्टीयरिंग ताकि बागवानी के कामों में आपको सहूलियत प्राप्त हो। इस ट्रैक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी पुराना है, कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ आपको इसमें नहीं लगने वाली है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो सभी जानकारी देता है जो किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। सारे कंट्रोल्स आपको डैशबोर्ड के नीचे दिए गए हैं। काफ़ी पुराने टाइप के स्विचेस ये लगते हैं। स्वराज ने सबसे अच्छा काम किया है पीटीओ के मामले में। स्वराज 724 XM टू व्हील ड्राइव वेरिएंट में क्या होता था कि 1000 RPM स्टैंडर्ड रहते थे और जो भी अभी इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में वो 540 RPM के लिए बनाए जाते हैं। तो इस फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ आप हर तरह का रोटावेटर कोई भी चेंज किए बगैर इस ट्रैक्टर के साथ चला सकते हो। साथ ही 540 इकोनॉमी स्पीड का भी ऑप्शन स्वराज ट्रैक्टर्स ने इसमें दिया हुआ है, जो कि बेहतरीन बात है। आपको इस ट्रैक्टर में मिलता है 20.3 हॉर्स पावर का पीटीओ। हाइड्रोलिक्स की बात करें तो 1000 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर में मिलती है। कंपनी फिटेड किसी भी प्रकार का डीसीवी वॉल्व इस ट्रैक्टर में उपलब्ध नहीं है। टायर साइज की बात करें तो आपको आगे के टायर मिलते हैं 6-14 और पीछे में आपको मिलते हैं 9-5-20 के टायर्स। सबसे जरूरी बात होती है मिनी ट्रैक्टर्स में ट्रैक्टर की विड्थ, 3.5 फीट का ये ट्रैक्टर है, तो उस हिसाब से आप अपने खेत में इस ट्रैक्टर को चला सकते हो। सबसे ज़रूरी बात होती है ट्रैक्टर की कीमत। जी हाँ, इस ट्रैक्टर की कीमत चालू हो जाएगी लगभग 3,50,000 से। तो किसान भाइयों, अगर आप ये ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो अभी हमारा खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर इस ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कीजिए। वीडियो के अंत में आपको बताना चाहेंगे कि स्वराज ट्रैक्टर्स जाने जाते हैं अच्छे इंजन परफॉर्मेंस और कम रखरखाव के लिए। तो अगर आप एक ऐसे किसान भाई है जो ट्रैक्टर के लुक्स,
ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, आपको एक दमदार और कम तेल खपत वाला ट्रैक्टर चाहिए, तो आप स्वराज 724 एफई फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से ट्रैक्टर का रिव्यू चाहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों के साथ जो बागवानी के लिए एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।